तो चलिए दोस्तों, किसी भी टीवी को अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों आज तो वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमआई टीवी को अपडेट क्यों करना होता है और अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों प्रैक्टिकली पूरा एलईडी टीवी के बारे में आपको समझा दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो आपको कभी भी भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई और वीडियो देखने की कि अपडेट कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी एलईडी टीवी की ओर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने टीवी की और दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग को देख लेना है। आपकी सेटिंग यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों, ऊपर की तरह यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी। आपके टीवी में कहीं भी ये सेटिंग हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको सेटिंग में अपडेट कैसे करना है पता चल जाएगा। तो दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्या करना है। आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पर आपको जाना है डिवाइस परफॉर्मेंस में, यहाँ पर अबाउट में, यहाँ पर सिस्टम अपडेट के ऊपर आपको टच कर देना है। दोस्तों टच करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कितना जीबी इसमें आपका डाटा लगने वाला है, कितनी आपकी इसमें स्टोरेज लगने वाली है। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीले कलर में दिख रहा होगा ना डाउनलोड, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट इसी से होता है। तो दोस्तों इसी से आपको अपडेट करना होता है। तो दोस्तों जब तक ये अपडेट होता है आपको मैं बता देता हूँ कि इसको अपडेट कैसे करना होता है। एक मिनट, अगर आपकी टीवी कोई भी ओल्ड मॉडल है ना, तो आपको कंपनी रीसेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए नहीं अपडेट भेजेगी। अगर आपकी टीवी अच्छी क्वालिटी की है, आपने महंगी टीवी खरीदी है, तो आपको अपडेट उसमें मिलते रहेंगे। अगर आपकी टीवी ओल्ड मॉडल है, ओल्ड वर्जन है, या आपकी टीवी विजडम शेयर है, तो तब आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के उसमें नए नए विंडोज का चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा होगा 0.94, यानी कि 1 GB इसमें आपका डाटा लगने वाला है और 1 GB की स्टोरेज आपकी दोस्तों एलईडी टीवी के अंदर, स्मार्ट टीवी के अंदर आपकी दोस्तों खाली होनी चाहिए, यानी कि ओवर पड़ी होनी चाहिए, तभी आपका यह सिस्टम अपडेट हो पाएगा, वरना आप इस सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी अगर आप टीवी की स्टोरेज फुल है तो आप अलग से एक पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी आपकी दोस्तों टीवी की स्टोरेज दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 1 GB है या 8 GB है या उससे भी कम है, आपकी टीवी की स्टोरेज ऐसी फुल हो जाती है, तो आप अलग से एक पेन ड्राइव लगा सकते हो। HP की पेन ड्राइव इसमें बढ़िया वाली काम करती है। मेरे चैनल के ऊपर चले जाओ, बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसमें पेन ड्राइव कैसे लगाई जाती है और कैसे वर्क किया जाता है पेन ड्राइव को, पूरा का पूरा मैंने दोस्तों वीडियो में समझाया है। मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए, सारी टीवी के अंदर आपको पेन ड्राइव लगाने का सिस्टम मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे हमें दोस्तों क्या ये डिफरेंस दिखाता है इसी वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया सिस्टम अपडेट रेडी। तो अभी ये टीवी हमारी दोस्तों जो है थोड़े से टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी खुद पे खुद और बाद में ऑन भी हो जाती है, तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों। थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट के लिए दोस्तों बताया जा रहा है, यानी कि हमने जो भी अपडेट किया है इसमें वो इंस्टॉल हमारी टीवी कर देगी। यहाँ पर हमारी टीवी होगी ऑफ, ऑफ होने के बाद यहाँ पर अभी ऑन हो जाएगी। आपको कुछ भी यहाँ पर नई छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपकी टीवी ऑन हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, यानी कि जो भी आपने इंस्टॉल किया उसको आपने अपडेट कर दिया आपकी टीवी ने खुद। तो अभी हम फिर से उस सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशनल सेटिंग में जाना होता है, उसके बाद आपको दोस्तों डिवाइस परफॉर्मेंस में जाना होता है, यहाँ पर अबाउट में, यहाँ पर सिस्टम अपडेट में आपको जाना होता है और यहाँ पर जाके आपको सारा कुछ पता चल जाएगा जो आपने अपडेट किया है वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना है, यहाँ पर आपको दिखा देगा योर सिस्टम इस अप टू डेट, यानी कि आपने ये अपडेट कर दिया, आपकी टीवी में अपडेट हो गया। तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर सेटिंग नहीं होती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तब आप अपनी टीवी को खुद ही अपडेट कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ज़्यादा सेटिंग इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो तो आपने पूरा देख लिया यार, बट लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यार दबाना ना भूलें, तभी आपको मेरी ऐसी लेटेस्ट और वीडियो मिलती रहेंगी जो भी मैं एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी के बारे में वीडियो डालता रहूंगा।